हेलो फ्रेंड्स, बीएससी क्वेश्चंस ऑल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बीएससी पार्ट थर्ड में आने वाले जूलॉजी पेपर फर्स्ट एनिमल डाइवर्सिटी वर्टिब्रेट्स एंड एवोल्यूशन के 2019 में आए हुए सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और आप हमारे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बॉटनी और केमिस्ट्री के भी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पेट्रोमाइजोन का आवास क्या है? तो पेट्रोमाइजोन स्वच्छ व समुद्री दोनों प्रकार के जल में मिलती है। यह स्वच्छ जीवी या कुछ मछलियों तथा कछुओं पर रहने वाले बाह्य परजीवी जंतु होते हैं। तो यह है पेट्रोमाइजोन। नेक्स्ट प्रश्न है, दो अस्थिल एवं दो उपास्थिल मछलियों के नाम लिखना है। तो अस्थिल मछलियों में तो हम कैटफिश और दूसरा कार्प लिख सकते हैं, और उपास्थिल मछलियों में हम स्कोलेडोन व टॉर्पिडो लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नियोटेनी को परिभाषित कीजिए। नियोटेनी क्या होती है? इसे चीर भ्रूणता भी कहते हैं। वह क्रिया जिसमें लार्वा लैंगिक रूप से परिपक्व होकर प्रजनन प्रारंभ कर देता है, यानी जो लार्वा होता है वो बिना वयस्क में परिवर्तित हुए ही लैंगिक रूप से परिपक्व होकर प्रजनन प्रारंभ कर देता है, इसे ही चीर भ्रूणता या नियोटेनी कहते हैं। ये जंतु वयस्क माने जा सकते हैं जो कायांतरण न करके कुछ भ्रूणीय लक्षणों को धारण किए रहते हैं, उदाहरण के लिए एम्बिस्टोमा मेंसिकेनस। नेक्स्ट प्रश्न है, कीलोन को वर्गीकृत कीजिए। कीलोन क्या होता है? तो कीलोन को वर्गीकृत करेंगे तो इसका संघ है कोडेटा, वर्ग रेप्टिलिया है, और उपवर्ग है एनेप्सिडा, और गण है इसका कीलोनिया, और जाति है कीलोन। तो ये है इसका वर्गीकरण कीलोन का। और नेक्स्ट प्रश्न है, मेबोमियन ग्रंथि का कार्य बताइए। तो मेबोमियन ग्रंथि तेल के समान द्रव स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है जो नेत्र श्लेष्मा को चिकना बनाती है, इसे हम कंजक्टाइवा भी कहते हैं नेत्र श्लेष्मा को, और इसके कारण पलकों को उठाने गिराने में रुकावट नहीं पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फुफ्फुस मीन के दो उदाहरण बताइए। तो इसमें है लेपिडो साइरेन और दूसरा है प्रोटोप्टेरस। ये फुफ्फुस मीन के दो उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रोम पिच क्या है? तो रोम पिच को हम फिलोपम फेदर्स भी कहते हैं। रोम पिच पंख चुने प्लंक्ड भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। पक्षियों में दिखाई देते हैं, ये अत्यंत कोमल रोम समान होते हैं। इनमें केलेमस व रेकिस भाग पतला व लंबा होता है। पिच्छक एवं पिच्छिकाएँ पाई जाती है। हुक अनुपस्थित होते हैं, अनुपिच्छक पाए जाते हैं। यह समस्त देह पर बिखरी हुई दशा में व्यवस्थित होते हैं। तो यह है रोम पिच्छक। नेक्स्ट प्रश्न है, खरगोश के अग्रपाद की अस्थियों के नाम बताइए। खरगोश के जो अग्रपाद होते हैं अर्थात उसके जो हाथ होते हैं उनके हमें नाम, उसमें जो हड्डियाँ पाई जाती है अस्थियाँ पाई जाती है उनके हमें नाम बताना है। तो इसमें जो अस्थियाँ पाई जाती हैं उनमें पहला ह्यूमरस, दूसरा रेडियस अल्ना, और जो बाकी जो अस्थियाँ होती हैं उन्हें बोन्स ऑफ हैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्रगर्ती कशेरुक क्या होते हैं? तो हमें अग्रगर्ती कशेरुक की परिभाषा लिखना है हमें। तो कशेरुक के सेंट्रम अग्र सिरे पर अवतल व पश्च सिरे पर उत्तल होते हैं। इस प्रकार के कशेरुक मेंढक व अधिकतर सरीसृपों में पाए जाते हैं। तो यह है अग्रगर्ती कशेरुकों की परिभाषा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अनुकृति को परिभाषित कीजिए। जो अनुकृति होती है मिमिक्री होती है। अनुकृति जंतु द्वारा अपनाया गया वह उपाय है जिसके द्वारा वह शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है। किसी जंतु पौधे अथवा किसी प्राकृतिक शत्रु का रूप रंग आकार व व्यवहार आदि का अनुसरण करने की क्रिया को अनुकृति कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी की नकल करने को ही
मिमिक्री करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। थैंक यू।